हेलो दोस्तों, आज हम आपको दीपक आनंद सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। दीपक आनंद ने 1992 में आई मूवी याद रखे की दुनिया से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में आदित्य पचोली, रुखसार रहमान शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल दीपक आनंद की मूवी आई बलवान। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, दिव्या भारती, डैनी तीनों आनंद शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,80,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1993 में दीपक आनंद की मूवी आई श्रीमान आशिक। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, उर्मिला मांडुरकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्यास्टर रही। 1998 में दीपक आनंद की मूवी आई हमसे बढ़कर कौन। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, दीप्ति वड़ाकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,30,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,27,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। सन 2000 में दीपक आनंद की मूवी आई भाई नंबर वन। इस मूवी के लीड कास्ट में आदित्य पचौली, फरानाज, तनुजा, रंजीत शामिल थे। इस मूवी का बजट 40,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्यास्टर रही। 2002 में दीपक आनंद की मूवी आई तुमसे अच्छा कौन है। इस मूवी के लीड कास्ट में नकुल कपूर, किम शर्मा, आरती छावड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 5,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,88,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,12,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्यास्टर रही। 2017 में दीपक आनंद की मूवी आई द रैली। इस मूवी के लीड कास्ट में मिर्जा असरी, सचिन छाबड़ा शामिल थे। इस मूवी ने भारत में 10,00,000 कमाई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्यास्टर रही। दोस्तों, आपको दीपक आनंद सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों। थैंक यू।